दिलीप देशमुख जी ने और इनके दूसरे साथी चाहे एमएलए साहिबान जो आज के एमएलए हों या उस वक्त के एमएलए या जिला परिषद के लोग हों, पंचायत समिति के लोग हों, नगर पालिका के लोग, उनको एक रखने में, इकट्ठे रखने में कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, विकास तो कई जगह होता लेकिन विकास के साथ साथ सभी धर्मों सभी जातियों का लोग का विश्वास प्राप्त करना यह बड़ा मुश्किल काम है। और उन पर सभी प्यार प्रेम की नजर रखना यह बड़ी बात। दुर्भाग्य से बदकिस्मती से बहुत सारे राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गर्ज के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए, कॉरपोरेशन मेंबर बनने के लिए, पंचायत समिति मेंबर बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए या तो धर्म का सहारा लेते हैं या जातिवाद का सहारा लेते हैं और इस तरह से लोगों में बंटवारा करते हैं। लेकिन यहां की लीडरशिप, चाहे वो पहले शिवराज पाटिल जी हो और आप बराबर 30-32 साल से विलासराव देशमुख जी हैं, इनके नेतृत्व में इन्होंने यहां कभी भी तनाव नहीं होने दिया, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस की सबसे बड़ी यही खूबी, कांग्रेस में कोई व्यक्ति खराब हो सकता लेकिन कांग्रेस की जो धारणा, कांग्रेस की जो नीति, कांग्रेस की जो पॉलिसी, कांग्रेस का जो प्रोग्राम, वो सेकुलरिज्म पर है, धर्मनिरपेक्षता पर है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व बराबर 125-26 साल से कांग्रेस का नाम इसलिए जिंदा है कि ये किसी एक विशेष धर्म या जाति पर नहीं बल्कि सभी को इकट्ठे लेके आगे चलाना चाहती है। और उसी चीज को